आपसे भी पहली बार बात हो रही है 2024 में, तो आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। कैसा फील कर रहे हैं, साल चेंज हुआ और मार्केट का थोड़ा सा डायनामिक्स बदल गया? जी अनुज, आपको सारे दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप जितना अच्छा 23 गया उतना अच्छा 24 भी जाए, चाहे सेक्टर बदले पर जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वो मेंटेन रहे। जी बिल्कुल, मैं अभी सुन भी रहा था आप जो पूछ रहे थे राहुल जी से सवाल, और एक जो डिस्कशन हुआ छोटा सा कि कैसे सेक्टोरल चेंज एक्सपेक्टेड है, और मुझे लग रहा है अर्ली स्टेजेस हैं उस सेक्टोरल चेंज की जो हम भी यूएस के मार्केट में ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं। अब जो रैली जो है वो स्लोली माइग्रेट कर रही है ऐसे स्टॉक्स की तरफ जिनको डिफेंसिव तो नहीं कह सकते पर एक ग्रोथ स्टॉक्स हैं, पर वैल्यूएशन उनकी अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो मैं कहूँगा मोमेंटम से अब जो इन्वेस्टर्स का फोकस है वो जा रहा है उन स्टॉक्स को तलाशने में जिन्होंने जो जो अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स हैं पर जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए शायद क्योंकि बॉटम ऑफ साइकिल थे, इग्नोर थे, काफी साल से कुछ रिटर्न नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि जो पिछले साल पीएसयू स्टॉक्स के साथ हुआ, पीएसयू बैंक स्टॉक्स के साथ हुआ, वो एक नया सेक्टर इमर्ज होगा 24 में जो सिमिलर रिटर्न्स बनाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, थीम्स क्या रहने वाली है आपके हिसाब से यहाँ पर, कहाँ पर आप अब फ्रेश पैसा डाल रहे हैं? जैसे पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था दो जो सेगमेंट्स हमें अच्छे लग रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि एक क्वार्टर में ही हमको अर्निंग्स की रिकवरी और मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव होते हुए दिखेगी, उसमें एक है लार्ज कैप फार्मा एक्सपोर्टर, जेनरिक एक्सपोर्टर, और मुझे लगता है थोड़ा उसमें प्ले ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बाय रिकमेंडेशंस नहीं है ऑब्वियसली, और हमारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो लार्ज कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस जैसे हमने देखी, आपने भी एक दो महीने पहले लुपिन पे डिस्कशन किया था, तो ये सारे स्टॉक्स लुपिन, दीवी, सन फार्मा, डॉक्टर रेडीज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और आई थिंक इसमें एक जो FDA का विजिट हुआ था दिसंबर में जहाँ पे FDA ने काफी सारे प्लांट्स को सर्वे किया था और कहीं पे भी इंपोर्ट अलर्ट नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन नहीं, प्रोसीजरल, वो इसलिए अनुज क्योंकि US में जेनरिक्स की एक शॉर्टेज है और काफी ग्लोबल सप्लाई वीक है इस समय जेनरिक्स की, जो चाइना से डंपिंग हो रही थी वो कम है। तो एक ये क्लियर सेगमेंट है लार्ज कैप जेनरिक एक्सपोर्टर्स का जिसको मुझे लगता है इस साल अर्निंग्स ग्रोथ जो काफी सालों से हमने नहीं देखा, प्राइसिंग प्रेशर था और पर इनकी अब पाइपलाइन अक्रॉस द बोर्ड सबकी अच्छी है, न्यू लॉन्चेस की और जो 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 एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी प्राइसिंग इंप्रूवमेंट है। पर मुझे लगता है कि आप इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें जो मैनेजमेंट कमेंट्री सुनेंगे वो पॉजिटिव होते हुए सुनेंगे और उसका रिजल्ट मुझे लगता है फार्मा एज अ सेक्टर पे आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा है अनुज एनीथिंग टू डू विथ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्री इकोनॉमी, तो उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें क्रॉप प्रोटेक्शन है, सीड्स है और फार्म इक्विपमेंट है, तो ये जो एक थीम है इसने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले 4-5 साल से, पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं एक रिकवरी इसमें अर्निंग्स की भी, जैसे हमने ऐड किया था धानुका एग्रीटेक अपने पोर्टफोलियो में करीब 2-3 महीने पहले और हमने देखा उसमें सडनली एक इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का, स्मॉल कैप है, UPL है, लार्ज कैप में बायर क्रॉप, तो इस तरह के मुझे लगता है ये जो थीम्स हैं इनको हम अपने पोर्टफोलियो में बैक कर रहे हैं। अच्छा अभय जी नमस्कार, पहले तो मेरी तरफ से विनीत बोला रेडियो स्टूडियो से, टूरिज्म ट्रेवल ये बदले हुए भारत की या फिर पोस्ट कोविड भारत की एक नई पहचान है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है ना इस लिहाज से आप उसको आप सलाम कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक उत्तराखंड मीट में कई बात कही थी कि उत्तराखंड को हमें एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन वेडिंग वाला स्टेट बनाना है, उनकी सोच कुछ अलग ही है इस मामले में। अभी हम कुछ देर पहले अनुजर में बात कर रहे थे अयोध्या की, अगले शायद मेरे ख्याल से 3 साल के लिए ये सबसे प्रेफर्ड एक जिसे कहते हैं ना क्षेत्र होगा जहाँ पे लोग जाएंगे, इसका सीधा इम्पैक्ट रेलवे पर पड़ा है। आप रेलवे स्टॉक्स को देखिए सब में काफ़ी स्ट्रांग हो गए, हम अमूमन इस धारणा में रहते हैं कि चल चुका है, बहुत चल चुका है, क्या रेलवे स्टॉक्स अभी भी चलेंगे बहुत, अभी भी इनका दमखम दिखाने का जो पोटेंशियल है वो कितना है? वीरेंद्र आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं और आपका एकदम परफेक्ट पॉइंट है क्योंकि काफी हम भी इन्वेस्टर से बात करते हैं तो सवाल होते हैं कि देखिए रेलवेज
इतना बड़ा सेगमेंट है, ऑलरेडी चल गया है, पीएसयू उसमें ज्यादा है, तो अभी कुछ इसमें दमखम बचा है कि अब फ्लैट लाइन करेगा यहाँ से साल दो साल के लिए। पर मुझे लगता है इतना बड़ा सेगमेंट है, और जैसे आपने कहा जो बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं अब वो मार्केट भी सर्टेन है कि कंटिन्यू करेंगी इलेक्शंस के बाद, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है रेलवेज के स्टॉक पे। और इसमें एक स्टॉक अनुज जो हमने भी सॉरी अभिनंदन जो हमने भी ऐड किया है अभी रिसेंटली, वो है एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स। एम्बर जो है वो एसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, ईएमएस मैन्युफैक्चरर है एसीज का, रूम एसीज का, पर एक उनकी एक कंपनी है सिडवॉल करके जो जो वंदे भारत ट्रेन है, जो नई ट्रेन है उनका एचवैक और एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज काफी हैं इस समय वीरेंद्र, अगर इन्वेस्टर्स ढूंढे तो। यही नहीं है कि आपको जो लार्ज जो पीएसयू स्टॉक्स जो चल चुके हैं अभी भी मुझे लगता है उनमें दम है, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच नहीं हुए हैं, ये काफी एक दशक के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक बाहर निकले हैं, तो वैल्यूएशन अभी भी मुझे लगता है अट्रैक्टिव है कंपेयर टू अपॉर्चुनिटी जो इनके सामने है, और अगले 5 साल की क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन है जैसे आपने कहा सरकार जो करना चाह रही है, तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी सपोर्ट है। पर इसके साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी मुझे लगता है कुछ ऐसे अननोन नेम्स हैं जो आप इस पे फोकस कर रहे हैं और जो एनालिस्ट ढूंढेंगे अभी अगले 2-3 महीने, तो अपॉर्चुनिटी स्पेस बढ़ेगा। और मुझे लगता है वीरेंद्र सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। वाकई एक बहुत ही अच्छा मध्य आपने, और आपने अगर अपनी होल्डिंग ही बता दी थोड़ी सी यहाँ पर, शुक्रिया उसके लिए। अभय जी एक स्पेस और जिसमें अब थोड़ी रंगत नज़र आ रही है, बदले हुए माहौल का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। हमने 22 में 23 में रियल स्टेट को भागते हुए देखा, हमने इंसिलरी को तो खैर बहुत ही भागते देखा, लेकिन अब थोड़ा सा इम्पैक्ट प्राइस बिहेवियर वो HFCs में विजिबल है। आप HFCs पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? जैसे आई थिंक एक एक डेकेड लॉन्ग मेरे को लगता है 10-15 साल की लंबी स्टोरी है, इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हैं एज एन इंडस्ट्री टू ग्रो, बिकॉज जो भी है एक एक सोशली हम देखें तो अपना घर हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटे शहर में हो बड़ा शहर में हो, जहां पे भी हो, पर एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है सबका कि एक अपना घर हो, अपना घर, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है और वो ग्लोबली है, वो चेंज नहीं होगी। लोगों को ये लग रहा था कि मिलेनियल्स जो है वो शायद घर ना खरीदना चाहे, वो रेंट पे लेना चाहे, पर अब वो डेटा कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट है, और जो मिलेनियल्स हैं वो इस समय सबसे बड़े बायर्स हैं रेजिडेंशियल हाउसिंग के, कमर्शियल हाउसिंग के। तो ये जो रेजिडेंशियल हाउसिंग का जो बिजनेस है ये बढ़ेगा, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर वीरेंद्र इसमें एक दूसरी चीज जो हो रही है कि इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ गए हैं, इसमें इस बिजनेस में पहले 2-3 बड़ी लीडिंग कंपनीज होती थी, पर आप देखें अभी रिसेंटली लिस्टिंग भी हुई कुछ छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो नीच एरियाज में काम कर रहे हैं, ज्योग्राफिकली छोटे एरियाज में काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि किस पे बेट करें ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये एक लो मार्जिन और लो एनपीए इंडस्ट्री है, हाउसिंग लोन पे कोई डिफॉल्ट जल्दी करता नहीं है, और अभी भी कोई स्पेकुलेटिव बबल नहीं है। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल तक इसमें अच्छा ग्रोथ होगा, पर ये लो मार्जिन इंडस्ट्री रहेगी, तो इसलिए ग्रोथ जो कंपनी कर पाएगी वो ज्यादा पैसा और इन्वेस्टर के लिए रिटर्न बनाएगी। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है छोटी कंपनी जो है हाउसिंग फाइनेंस में उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है बनिस्बत उनके जो बड़े शहरों में हाई टिकट मॉर्गेज करते हैं। ओके, केमिकल्स बास्केट में एक बहुत बड़ी रैली के बाद एक बड़ी करेक्शन आई, लेकिन पिछले 2 महीने से क्लियर कट बॉटमिंग आउट इंडिकेशंस मिले यहाँ पर। आपके पोर्टफोलियो में है क्या कोई केमिकल स्टॉक या कोई स्टॉक आप ऐड कर रहे हैं इस समय? जी अनुज, अभी हम केमिकल सेक्टर को बहुत क्लोजली देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से टू सी कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। तो इसमें जो मैंने आपको कहा जो फार्मा जो जेनरिक है और एग्रोकेम है, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्लियरली विजिबल है, क्योंकि जो चाइना से जो प्राइस डिसाइड करता था, चाइनीज कंपनीज का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि ग्लोबल लेवल पे वो इन कमोडिटीज के प्राइसेस डिसाइड करते थे, पर अब वो प्रेशर काफी कम हो गया है इन दो स्पेसेस में। स्पेशलिटी केमिकल जो है अनुज मैं कहूंगा अभी भी थोड़ा अनक्लियर है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम पिकअप अभी भी इंडियन कंपनीज के लिए नहीं है। मुझे लगता है 1 क्वार्टर और लगेगा इमर्ज होने की
क्लियर पर्सपेक्टिव कि चाइना से जो डंपिंग है वो स्पेशलिटी केमिकल की भी कम हुई है, प्राइसिंग प्रेशर वापस आ रहा है, प्राइसिंग पावर। सो इनको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, जो फार्मा जेनरिक और जो एग्रोकेम है वो तो क्लियरली बॉटम आउट होता लग रहा है, मतलब जो हम डेटा देख रहे हैं मंथली बेसिस पे भी और जो प्राइसिंग देख रहे हैं यूएस में। पर जो स्पेशलिटी केमिकल है अनुज, मैं कहूंगा कि एक दो महीने का डेटा हम और देखना चाहेंगे बिफोर टेकिंग अ कॉल। पर ऑब्वियसली कंपनीज हैं रेडार पे, काफी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, काफी अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं, पर उनका टाइमिंग क्या रहेगा वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा अनुज। ओके, चलिए हवे जी आज यहीं पर समाप्त करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।